तो हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने 4G मोबाइल में 5G इंटरनेट आप लोग चला सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 4G मोबाइल में 5G इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने सेटिंग पर। सेटिंग पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डाटा यहाँ पे सर्वर मतलब कि इसको आप लोग ऑफ किया रहेगा, ऑन रहेगा तो इसको ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पे देख सकते सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे सिम कार्ड आपको यहाँ पे नंबर ले लेना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोमिंग है तो यहाँ पे आपको इसको ऑन कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे 5G इंटरनेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट नेम, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम पूछा है, तो यहाँ पे आपको जियो 5G आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो आपको यहाँ पे जियो 5G यहाँ पे डाल लेना है। तो सिंपली इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे APN है तो यहाँ पे भी आपको जियो 5G नेटवर्क लिखना है। तो यहाँ पे जियो 5G नेटवर्क डालने वाले इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पासवर्ड भी नहीं करना है, यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है www.jio5g.com। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सर्वर ये मिल जाएगा 5G इंटरनेट का। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे लिखिए www.jio5g.com। तो यहाँ पे लिखने के बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, तो सिंपली यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा ऑथेंटिकेशन टैब, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चौथा वाला लिखा पॉप चॉप, तो सिंपली इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे APN प्रोटोकॉल, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे AP v4, तो सिंपली यहाँ पे चौथा वाले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। वो भी जो आपको यहाँ पे पिछले वाले ऑप्शन पे किए थे तो यहाँ पे भी वो भी कर लेना है। तो करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे MVNO टैब, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसको नॉन कर देना। नॉन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हम लोग ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ पे जो आपका मतलब सिम है, जैसे यहाँ पे आपका जियो है तो जियो यहाँ पे क्लिक करना, मतलब कि यहाँ पे ऊपर वाले इसको ऑप्शन था इसको ऑफ कर लेना। ऑफ करने मतलब आपका BSNL है, जो भी आपका यहाँ पे सिम है तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका APN यहाँ पे बन जाएगा 5G। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जियो 5G का ऑप्शन निकला हो, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो चलते हैं बैक, तो और बैक करेंगे। बैक करने के बाद थोड़ा और बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना bull लिखने के बाद इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ देख सकते हैं बुल्ड नंबर, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे 3-4 बार आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे 3-4 बार आप लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सिंपली चलते हैं बैक। तो बैक जाने के बाद आपको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं रिस्टार्ट का ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। और तो आप इसे करने के बाद आपके 4G मोबाइल में 5G हाई स्पीड नेटवर्क आपको मोबाइल में चलने लगेगा। तो यही था 4G मोबाइल में 5G इंटरनेट चलाने का प्रोसेस। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब किया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।